अस्सलाम वालेकुम विक्टर, मेरे साथ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। विक्टर का मैं इंट्रोडक्शन करवा दूँ। विक्टर एक पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी क्रिश्चियन हैं, जो कि पाकिस्तान में मेरी तरह पाकिस्तान में बड़े हुए और अब इंग्लैंड में रहते हैं। आज हम लोग इकट्ठे हुए बात करने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो कि मैंने भी यहाँ विक्टर अमेरिका में आके समझा है। पाकिस्तान में तो हमें बहुत सारी बातें वैसे भी हमसे छुपाई जाती हैं, हमें नहीं बताया जाता। मतलब ये हमारा कल्चर इग्नोरेंस का कल्चर है ना, कि इग्नोर ही रखो बच्चों को, ना ही कोई बात बताओ, और जब तक बात को बताया ना जाए ये प्रिटेंड करते रहो कि बात होती नहीं है। तो पिछले दिनों एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई और उसके ऊपर मैंने ना कल एक बहुत अच्छा वीडियो देखा है, तो दिस इज़ वाई डिसाइडेड टू टॉक अबाउट इट। अमेरिकन एम्बेसी जो है पाकिस्तान में, उन्होंने अपनी कोई गेट टुगेदर किया जिसमें उन्होंने गेज़ को इनवाइट किया, और उसके बाद उन्होंने प्रेस रिलीज़ एक की जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम लोग गेज़ के राइट्स को पाकिस्तान में भी प्रोटेक्ट करेंगे और पूरी दुनिया में प्रोटेक्ट करेंगे। इसके ऊपर मौलवियों ने जुलूस निकालने शुरू कर दिए और कहना ये शुरू कर दिया कि ये इस्लाम पे हमला है, हमारे कल्चर पे हमला है, और हमें पाकिस्तानी सोसाइटी को ख़राब करने की कोशिश है कि हम जिन्स प्रेस जो हैं वो तो उनको भी मार देना चाहिए। एक तो आपको पता है कि हमारे कल्चर में हर किसी को मार देना चाहिए, अब तो हर किसी को मार देते हैं ना, अब तो मतलब हर किसी को मारते हैं। मुझे आप ये बताएं कि आपका गेज के बारे में क्या ख्याल है। सबसे पहले तो मतलब गे जो है एक तो ह्यूमन राइट है कि वो भी इंसान है, और मैं मेरे मतलब यहाँ पर भी लंदन में भी और पाकिस्तान में भी बहुत सारे जो गेज हैं उनको मैं जानता हूँ, जो कि सोसाइटी के हिस्सा हैं और मेरे अच्छे दोस्त हैं, और ऑन द टॉप वो इतने नफीस इंसान होते हैं कि वो आम ह्यूमन से थोड़ा बेहतर होते हैं। इसकी वजह ये हाँ, वो डिस्क्रिमिनेट होते हैं ना, तो जो भी इंसान डिस्क्रिमिनेट होता है वो फिर उसमें ह्यूमिलिटी आ जाती है। और उसके बाद जब अगर मतलब कि आप अगर कहें कि 1% है या 2% या 0.5% है या 1000 है, एटलीस्ट वो जब तक सोसाइटी के हिस्सा है तो उनका राइट है कि व्हाटएवर दे वांट टू डू, और बाकी रहेगी बात उनके ओके एक्चुअली वो क्या करते हैं वो उनका अपना मैटर है, उनका पर्सनल मैटर है। एज लॉन्ग एज दे आर इन द सोसाइटी उनका राइट है कि वो अपने सारे राइट्स को एक्सरसाइज करें एज अ सिटीजन। और मैं आपको पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको वो हेल्थ मतलब गे थे ऑफकोर्स, लेकिन उनकी फैमिलीज उनको पुश किया कि नहीं ऐसा गे नहीं है, गे नहीं है, गे नहीं है, तो उनको पुश करके उनकी शादियाँ की और ये किया, लेकिन उनकी शादियाँ नहीं चली, इवन उनके दो दिन नहीं चली शादियाँ, और अब वो वहाँ से छोड़ छाड़ कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई अमेरिका में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई कहीं पर है। लेकिन अगर आप उनको एज इट इज उनको एक्सेप्ट करें तो वो बहुत अच्छा सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं और आपकी वो सोशल नेटवर्क में बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप उनको स्टार्ट से ही जैसा हमारे पाकिस्तान में या हमारे कल्चर में इवन इंडिया में भी उनको जो क्या बोलते हैं हिजड़ा टाइप सा उनको बना के रखते हैं, तो उनको हम उनको पुश करते हैं, उनके पास कोई जॉब ऑप्शन, कोई सोसाइटी में क्या कहते हैं ऐसी वो काम नहीं करते जिससे प्रोडक्टिविटी है, वो तो उनका यही काम होता है कि नाच के या डांस करके उनका काम करना है। उसके अलावा भी उनके पास बहुत सारे स्किल्स हैं, क्यों उनको उनको आगे आने देते हैं, उनका पूरा राइट है, सब मैं हूँ या आप हैं या कोई और है, तो उनका भी राइट है। और बाकी रहेगी कि मजहब क्या कहता है, ये कहता है स्टेट एक और चीज है, सोसाइटी एक और चीज है, सोसाइटी और स्टेट और मजहब, मजहब हर एक का पर्सन होता है, और जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारे आते हैं मजाहब आते हैं, और जो स्टेट है वो हर इंसान की करती करता है जो उसकी हदूद में है, जो उसके उसमें है। जैसे आप अमेरिका में, मैं यहाँ पे यूके में हूँ, स्टेट का काम है कि जितने लोग यहाँ पर रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करें, मेरा स्टेट मुझे कहता है कि मैं सर्टेन काम ना करूँ, सोसाइटी मुझे कहती है कि मैं अपने लोगों से मिलूँ, ये करूँ, वो करूँ, कि हम आपस में इंट्रैक्शन होती है। लेकिन हम इनको इन कहते हैं कौन सी सुप्रीम है, सबसे सुप्रीम होती है वो स्टेट की पावर होती है, हम उसी को हम कहते हैं स्टेट, मेरा पर्सनल है जिसकी वजह से मैं अपने आप को अटैच करता हूँ सुपना चल उस पावर से या सुपर मतलब खुदा से करता हूँ, सेलिब्रेट करता हूँ। तो बाकी आप हर चीज में इस्लाम को उस ला के आगे से लोगों की क्या जुबानें भी बंद रहती हैं, वो ऐसा वो लगाते हैं, नारा लगाते हैं कि जिसने इसके साथ किया वो तो कि मुर्तद हो गया और वो तो इस्लाम के उससे क्या कहते हैं तारे से निकल जाएगा, तो इसलिए फिर आगे से लोग कोई बात भी नहीं करते, भले हर कोई कहता है कि अच्छे इंसान इनको मौका दो। इंडिया में जिस तरह अब एक उनका मेरे ख्याल से कोई MNA या जो भी है वो हिजड़ा हुआ है, इलेक्ट हुआ है,
वो डिफरेंट है और गेस डिफरेंट है। मैंने आपको बिल्कुल फॉलो किया, लेकिन हमारे वहाँ पर हम सबको एक ही उसमें रखते हैं कैटेगरी में। आपकी बात मुझे समझ आई कि अगर कोई लड़का थोड़ा सा लड़कियों की तरह बोलता होगा तो उसको हिजड़ा हिजड़ा कहना शुरू हो जाते होंगे, आपका ये मतलब है। वो खुद को खुद ही भले वो उसका वो चक्कर नहीं है, क्योंकि ये इसमें तीन चार होती हैं कैटेगरीज होती हैं, जो कि फिजिकली होते हैं, कुछ इमोशनली होते हैं, कुछ उनकी अट्रैक्शन होती है सेम सेक्स की तरफ। लेकिन हमारे यहाँ पर वो नहीं, उस कैटेगरी नहीं है, हम सबको एक ही रखते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं मेरा ज़ाहिर है मेरे ख्याल इस मामले पहले तो हमें पता ही नहीं था कि गेज होते भी हैं, अमेरिका में आके मुझे पता चला। और इसी तरह आपकी तरह बहुत सारे लोग जो मुझे मिले, कि कुछ मेरे मरीज थे, कुछ मेरे साथ काम करने वाले थे, कि जो नॉर्मल और स्मार्ट ह्यूमन बींग्स हैं, एडल्ट्स हैं हमारे जैसे, समझदार हैं, काम करते हैं, प्रोडक्टिव हैं, लेकिन वो चूज़ ये करते हैं कि अपना लाइफ पार्टनर किसी और को बनाएं। और यहाँ पे ये कल्चर है कि आप अगले को बात करने का मौका दें, आप ये ना कहें कि भाई इंडिविजुअल फ्रीडम की बात है ना, और इंडिविजुअल हैप्पीनेस की, आप ये ना कहें कि भाई हमारे हमारी किताब में या हमारे कानून में या हमारे मज़हब में ये है तो तुम भी यही करोगे। आप लोगों से पूछते हैं कि उनको, और एक अगर आप किसी को हर्ट नहीं करते तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो मर्जी करें। अच्छा, एक जो ये इस बात पे तो हम दोनों मुत्तफिक करते हैं, ठीक है, लेकिन एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने लगी थी कि जो बात मुझे पाकिस्तान में, और उसको इससे मैं लिंक करती हूँ थोड़ा सा, जो कि पाकिस्तान में मुझे बात नहीं पता थी कि सारे लड़के, मैंने पिछली दफ़ा विक्टर जब रिसर्च की OBGYN मैगजीन के लिए चाइल्डहुड सेक्शुअल अब्यूज़ पे पाकिस्तान में, तो मुझे ये पता चला कि लड़कियों पे तो इतना कॉमन नहीं है, क्योंकि लड़कियों का ऑनर का बीच में ले आते हैं ना मसला, तो लड़कियां फिर भी बचाती हैं, उनको तो हमें जान से मार देंगे अगर लड़की ने बता दिया, या खैर लड़कियां भी बहुत अब्यूज होती हैं। एक और बहुत बड़ा जो है क्या कहते हैं एलिमेंट है कि हमारी सोसाइटी में लड़कियां इतनी स्ट्रीट में अवेलेबल नहीं होती। हाँ, ये भी बात है, एब्सोल्युटली। हाँ, ये उससे भी बड़ा एलिमेंट है, ये उससे भी बड़ा एलिमेंट है कि लड़कियां चूंकि घरों में रखी जाती हैं, बाहर निकलने नहीं देते, तो वो बची रहती हैं। लेकिन मुझे, और मुझे इंटरेस्टिंगली मुझे ये बात अभी दो तीन चार साल पहले पता चली, और इट वाज अ शॉक फॉर मी कि हमारे लड़के लड़कों एक दूसरे से अब्यूज होते हैं, मुझे ये पता चला। हाँ, बहुत ही ज्यादा, isn't that strange? हाई हद तक, because मैं एक मेल हूँ, मैं एक उसी मेरी चाइल्डहुड में स्कूलिंग वहां से हुई है, इतना ज्यादा ये केस है वहां पर के लोगों की जो क्या कहते हैं पर्सनैलिटी है इतनी डैमेज हो जाती है, और इतना कुछ हो रहा है वहां पर कि आप हैरान हो जाएंगे, बहुत कुछ हो रहा है। अब मुझे ना ये बात आप तो कह रहे हैं ना, मैं आपको बताती हूँ मैंने किस तरह से रिसर्च की। जितने मतलब हमारा डॉक्टर्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो मैंने एक मेल लिखी लोगों को कि मैं इस चीज़ पे रिसर्च करी हूँ, तो आप इसमें अपनी ओपिनियन दें। और मैं हैरान रह गई कि जितने भी लोगों ने मुझे ओपिनियन दी ना, उन सब ने कहा कि यस। तो मैंने कहा कि इसका मतलब है कि चाइल्ड अब्यूज़ लड़कों का पाकिस्तान में 100% है, यानी मुझे एक लड़का ऐसा नहीं मिला कि एक बंदा ऐसा नहीं मिला कि जिसने ये कहा कि मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। किसी ने थोड़ा एक्सपीरियंस किया, किसी ने ज़्यादा किया, किसी को कोई हाथ लगा गया, किसी को किसी ने फ्लैशिंग कर दी, लेकिन वो भी अब्यूज़ में आता है ना, कोई आपको गलत तरीके से हाथ लगाए वो भी अब्यूज़ है। तो वो मैं इतनी ज़्यादा हैरान हुई, मुझे तो देखो ना जिस तरह से हमें बड़ा किया जाता है, हर बात हमसे छुपाई जाती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि लड़के भी लड़कों को अब्यूज़ कर सकते हैं, कि लड़कों ने लड़कों को अब्यूज़ करके क्या करना है क्या नहीं पता था। फिर एक साहब ने मुझे बहुत, वो भी डॉक्टर साहब हैं बड़े, उनके बड़े बड़े बच्चे हैं, उन्होंने मुझे लंबी मेल लिखी कि किस तरह से वो उनके फ्रेंड, उनके यानी हमसायों के भाईजान उनको ले जाते थे, ये जो बच्चे बाहर हमारे बहुत ज़्यादा खेलते हैं ना प्लेग्राउंड्स वगैरह में, प्लेग्राउंड में ले जाते थे, और कहते हैं कि बहुत दफ़ा मैं अब्यूज़ हुआ। तो ये लेकिन लड़कों में मैंने देखा है कि इससे भी ज़्यादा, एक मुझे अफसोस इस बात का होता है कि ये सालों से सेंचुरी से ये काम होता आया है, और आप लोग बोलते नहीं, आपके बेटे बच्चे हैं, फिर जब आप बोलेंगे नहीं उनको, आप सोसाइटी को पता कैसे चलेगा कि हमने बच्चों को बचाना है। सोसाइटी तो बेस ही करती है 50% झूठ पे, हमने जो झूठ बोल बोल 100% झूठ, 100% झूठ, 100% झूठ पे बेस करती है 50% का। पक्की चीजें जो है जो कि कंफर्मड है, सारों को पता है, वो हमारे लिए शॉक ही होती है, बिकॉज वो वहां पर होती है, जब हम उसको डिक्लेयर करते हैं, हम कहते हैं अच्छा ये भी था। अब देखें, अगर वाकई किसी मुल्क में बच्चों का, लड़कों का अब्यूज और लड़कियों का भी बहुत कॉमन है 100% हो, तो किस मुंह से वो लोग गेज के बारे में बात करते हैं। अच्छा, इसमें ये बात ना, बहुत अच्छा वीडियो मारवी सरमद ने इंटरव्यू दिया है किसी साहब को टीवी पे कल, तो मैं वो देख रही, तो वो कहते हैं कि मौलवी साहब बड़े गुस्से में आए, कहते हैं कि
आप उन लोगों को तो बुरा कहती हैं कि जो बच्चों का अब्यूज़ करते हैं, तो आप वो मारवी ने यही बात की ना, खैर मारवी ने पूरी सोसाइटी की बात नहीं की, मैं तो पूरी सोसाइटी की बात करती हूँ। जिन लोगों को मैंने इंटरव्यू किया है, जिनकी मैंने रिसर्च की थी, वो मदरसों में नहीं गए। लेकिन मारवी सरमद ने ये कहा कि भाई आपके मौलवी सारे मदरसों में सारे लड़कों को अब्यूज़ करते हैं, ठीक है, सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं, तो आप फिर किस तरह से आप गेज़ के खिलाफ हैं? तो आगे से कहते हैं नहीं नहीं मैं उनको भी बुरा कहता हूँ जो लड़कों बच्चों को अब्यूज़ करते हैं, लेकिन आप गेज़ को भी बुरा कहें। और मारवी को उन्होंने इसके बाद बोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन मैं अपने नाजरीन को एक डिफरेंस बताना चाहती हूँ। वो कहता है कि अगर आप बच्चों के अब्यूज़ को बुरा कहती हैं तो गेज़ को भी बुरा कहें, देर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस। बच्चा जो है वो कमज़ोर है, वो वीकर है, और वो बच्चा है, वो अपना फैसला खुद नहीं कर सकता। जब आप एक बच्चे को अब्यूज़ करते हैं, चाहे वो फिजिकल अब्यूज़ हो, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज़ हो, चाहे वो फाइनेंशियल अब्यूज़ हो, वो अब्यूज़ है। जब एक एडल्ट, एक 25 साल का के दो बंदे, 25-25 साल के दो बंदे, या 25-25 साल की दो लड़कियां, या 35 साल के, मैं जिसको जानती हूँ 45 साल का आदमी है, वो हमारे साथ काम करता है और वो गे है, ठीक है, तो जब इस उम्र का बंदा ये आपको कहता है कि भाई मेरा पार्टनर भी मेरी सेक्स का हो, तो फिर उसमें अब्यूज़ का पहलू नहीं आ जाता, फिर आप उसको कंडेम नहीं कर सकते, फिर वो आपको कहेगा कि आप ये जो करें वो गलत है। फिर आप उसको देखो, इसमें ये फाइन सी लाइन हमारे मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करती। इन मौलवी साहब ने एक और बात की, कहते कि भाई जब एक 8 साल की बच्ची का जायज़ निकाह पढ़ा देते हैं एक 50 साल के मर्द के साथ, तो वो आप पाकिस्तान में इस पर शोर मचा देते हैं। ये होते हैं ना सऊदी अरब और पाकिस्तान में, एक छोटी छोटी बच्चियाँ बूढ़े बूढ़े आदमी से ब्याह कर देते हैं, तो वो कहते हैं कि फिर आप बहुत बड़ा शोर मचाते हैं, वो तो जायज़ निकाह होता है। अगेन उस बंदे को उसका फैसला उसके माँ बाप ने किया है, तो वही हम सोसाइटी में अवेयरनेस लाने की कोशिश करें कि छोटी बच्ची को आप 50 साल के मर्द को नहीं दे सकते। लेकिन अगर एक 30 साल की औरत ये फैसला करती है कि उसने 60 साल के मर्द के साथ शादी करनी है, तो आप उसको नहीं बता सकते वो अब्यूज़ नहीं है। अमेरिका में एज लिमिट 18 साल है, मैं समझती हूँ 20-21 साल होनी चाहिए, कि या 18 साल भी ठीक है, कि उसके बाद जब कोई बंदा अपना फैसला करता है तो वो फिर रिस्पॉन्सिबल है। लोग गलत फैसला करते हैं, लोग सही फैसला करते हैं, लोग गलत काम करते हैं, लोग सही काम करते हैं, एज लॉन्ग एज दे आर नॉट हर्टिंग एनी वन एल्स, जब तक वो दूसरों को सोसाइटी में हार्म कॉज नहीं करते, वो अपनी ज़िंदगी में जो चाहे वो कर सकते हैं। आप उसको बच्चों के अब्यूज़ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बच्चों का अब्यूज़ तो बल्कि गलत है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसको लोग फिर गेस के आप इतने खिलाफ क्यों हैं, जब आप सारे लड़के आपके खुद एक दूसरे का अब्यूज़ करते हैं, जब आपके सारे लड़के खुद अब्यूज़ होते हैं, तो फिर वो जो गेस जो एडल्ट हैं जो अब्यूज़ करने की बजाय सोसाइटी में एक्सेप्टेबल बन के रहना चाहते हैं, आप उनको किस मुँह से बुरा कहते हैं? आप ये देखे ना कि जितने भी लोग ये जो बोलते हैं ये गेज के खिलाफ या सेंस जो क्या कहते हैं जेंडर जो सेक्स है उसके खिलाफ बोलते हैं, ये सबसे बड़ा जो एलिमेंट जो बोलते हैं ये सारे जो आते हैं मौलवी आते हैं, ये मोस्टली पठान है। और उस एरिए में जितना बड़ा ये ट्रेड है, यू वॉन्ट बिलीव कि मैंने मतलब मिस की है वो सारी अपॉर्चुनिटीज की, मैं कोई उनकी मूवीज बना लेता या कुछ मैं कर लेता। ये जो बॉर्डर है अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उस पे बच्चियां और बच्चे जो हैं वो सेल होते हैं, कितनी शर्मनाक बात है। अच्छा ये बात ना कल एक उसी इंटरव्यू में उन्होंने एक और साहब बुलाए हुए थे, उनका मुझे नाम भूल गया, बहुत अच्छे आदमी, उन्होंने 2-4 दफा ये बात की, कहते हैं आप बार बार कह रहे हैं कि जब अमेरिका गेज़ को प्रमोट करता है तो हमारी सकाफत पे हमला है, आपने कभी अपनी सकाफत देखी है? अब बात यही है कि सकाफत हमें अपनी पता है, हम लोग दबाते हैं, हम लोग कहते हैं मानेंगे नहीं तो हुआ नहीं, हम तो झूठ बोल रहे हैं, हमें पता नहीं सकाफत क्या है, क्या होती है यही वो आगे से कहते हैं, हाँ वो जो आपके कल्चर में हो रहा है, वो आगे से कहते हैं कि भाई साहब परेड्स होती हैं यहाँ छोटे छोटे लड़कों की, और बड़े मर्द उनमें से लड़कों को चूज करते हैं, कुछ एरियाज हैं वो जो आप जिन एरियाज की बात करें ना उन्हीं एरियाज में, खैर कॉमन तो ये एवरीवेयर है, पठानों को मैं वी कैन नॉट ब्लेम अलोन, हम लोग पठानों को तो लोन ब्लेम नहीं कर, सारे पाकिस्तान में हमें पता होता है, लेकिन वो कहते हैं कि परेड्स होती हैं कुछ एरिया में, वहाँ पे बड़े मर्द आके छोटे लड़कों को चूज करते हैं और उनको 2-2, 3-3 लड़के रखे होते हैं मर्दों ने, तो ये तो आपकी सकाफत है, सकाफती मेलों में ये हो रहा है, तो आप ये कहने से कि हमारी कौन सी सकाफत, अगर आप मानेंगे नहीं तो इसका मतलब है कि होता नहीं है। लेकिन देख लो तुम के सदियों से कल्चर इस तरह से बना लिया है कि मानेंगे नहीं तो हुआ नहीं, कितनी अजीब बात है, आई मीन दिस इज अनबिलीवेबल। लेकिन नुकसान किसका है, हम खुद ही हमारा अपना नुकसान है। आप देखेगा कि हमने इतनी छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको इतना बड़ा इशू हमने बनाया हुआ है कि जो गे सेक्स पे हम बात करते रहेंगे, ऑफ कोर्स ये इशू है जो कि ऑफ कोर्स कोई गे होगा उसके लिए ये जिंदगी मौत है, लेकिन ये ऑन द जनरल ऑन द होल हम देखें कि इतने ज्यादा मसाइल हैं, और हमने वो लोग
जो स्टूपिड किस्म के लोग हैं, जो नॉन साइंटिस्ट हैं, जिनको पता ही नहीं कि क्या बात करनी है और क्या मसला है, करंट अफेयर क्या, जिससे कॉमन मैन जो है, कॉमन जो सिटीजन है, उसकी जिंदगी इफेक्ट होती है, उन चीजों को हमने कभी शेयर ही नहीं किया। हम आके मसले ये ऐसे करते हैं कि जो कि कुछ छोटे छोटे नहीं, मतलब थोड़े लोगों का मसला है। हमने